नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप एक्स्ट्रा प्लस अकाउंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद में आप वहां पे 12 से 13% एक्स्ट्रा इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्लस का जो ऑप्शन है वो आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं किस तरह से आपको मोबीक्विक के अंदर एक्स्ट्रा प्लस अकाउंट को क्रिएट करना रहेगा, वहां पर किस तरह से आपको 12 से 13% एक्स्ट्रा इनकम है उसको जनरेट करना रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना रहेगा, वहां पर आपको सर्च करना है मोबीक्विक, तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाती है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने इसका जो लॉगिन पेज आ जाता है, जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है जो कि आपको यहां पर एंटर करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर ओटीपी कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद में आपसे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं परमिशन अलाउ कर देना है। आपका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहां पर मेंशन करना है। प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट करनी रहेगी। जैसे ही पैन कार्ड नंबर डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देते हैं आई एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपके पैन कार्ड से आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाती है। आधार कार्ड भी आपका यहाँ पर फेच होकर आ जाता है। इसके बाद में अगर आपकी ये डिटेल सही है तो यस इट्स मी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर यस इट्स मी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद में आपकी एक सेल्फी आपको यहां पर कैप्चर करनी रहेगी। कैप्चर करते ही आपके सामने यहां पर जैसे ही आप अपनी सेल्फी को कैप्चर कर देते हैं इसके बाद में इसको यूज दिस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इसको रीटेक करना चाहते हैं तो रीटेक भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो मांगा जाता है। कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड को सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोफेशन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। प्रोफेशन को आप जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं इसके बाद में आपके फादर का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना रहता है। जैसे ही आप अपने फादर का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसके बाद में आपको अपना जीमेल अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना रहता है। इसके बाद में नीचे आपको आपकी जो मंथली इनकम है उसको एंटर करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप अपना क्रेडिट स्कोर को चेक कर लेते हैं इसके बाद में आपको क्लोज करना है। आपको यहाँ पर एक ईएमआई कार्ड भी ऑफर किया जाता है। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं तो एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इसको डिक्लाइन कर देते हैं आपको एक रीजन सेलेक्ट करना रहता है। सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आप इसके होम पेज पर आ जाते हैं जहां पर आपको जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट करनी रहती है। इसके लिए आपको कंप्लीट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है जहां पर आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहां पर कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रीड कर लेना है। पैन कार्ड का ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में रखनी है। परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आपको आई एम रेडी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। परमिशन को अलाउ करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आता है। इसके बाद में आपकी जो वीडियो केवाईसी है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर जो वीडियो केवाईसी करता है उस एम्प्लॉय को आपका जो पैन कार्ड है वो आपको दिखाना रहता है। आपको प्लेन पेपर पे आपके सिग्नेचर वहाँ पे करके दिखाने रहते हैं। इसके बाद में आपको कंप्लीट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपकी यहाँ पर वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है आपके सामने इसका जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा का एक बैनर दिखाया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 12% एक्स्ट्रा इनकम आपकी यहाँ पर होने वाली है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा का एक सर्विस आइकन भी देखने को मिल जाता है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टार्ट इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 12% इनकम है वो यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके भी बताया गया है कि अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको 3% की अर्निंग है वो मिलने वाली है। वहीं अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको 6% का रेवेन्यू है वो मिलने वाला है। वहीं अगर आप एक्स्ट्रा प्लस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको 12% है एक्स्ट्रा इनकम आपकी यहाँ पर होने वाली है, मतलब आपकी FD से डबल आपकी यहाँ पर इनकम है वो होने वाली है। इसके अलावा बात करें अगर सेफ्टी की तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि ये RBI से अप्रूव्ड है। इसके अलावा NBFC बैंक के अंदर इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाता है।
अगर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल जो है वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है फ्लेक्सी और दूसरा है प्लस। अगर आप यहाँ पे फ्लेक्सी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने की है उसके ऊपर आपको 12% की रेवेन्यू है वो मिलने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर आपका कोई भी विड्रॉल टाइम नहीं है, जब आप इसको चाहो तब आप इसको विड्रॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे डिपॉजिट की और विड्रॉल फीस की, तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। वहीं अगर अपन बात करें प्लस की, तो ये प्लस की जो सर्विस है अभी हाल ही के अंदर इसको ऐड किया गया है। इसके अंदर आपको फ्लेक्सी से ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मिलने वाला है, 12.99, मतलब 1% एक्स्ट्रा यहाँ पर इनकम आपकी यहाँ पर होने वाली है। इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने की है वो आपको कम से कम 3 महीने के लिए लॉक करके रखनी पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना रहता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसके माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस और फ्लेक्सी के अंदर आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपको कितनी अर्निंग होने वाली है वो आप यहाँ पे कंपेरेटिवली चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्लस के अंदर आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर 129 रुपये, वहीं आप फ्लेक्सी के अंदर आपको 120 रुपये की अर्निंग पर ईयर आपकी यहाँ पे होने वाली है। इसको आप मंथली भी चेक कर सकते हैं, ईयरली भी चेक कर सकते हैं, डेली के हिसाब से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी पेमेंट आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। आप जिस भी पेमेंट मोड से सेलेक्ट करना चाहते हैं, IMPS, NEFT, RTGS, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके पेमेंट को एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है उसको ऐड कर देते हैं, आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उसी दिन से चालू हो जाता है। अगर आपने फ्लेक्सी के अंदर किया है तो अगर आप उसको नेक्स्ट डे विड्रॉल कराना चाहते हैं तो भी आप इसको नेक्स्ट डे विड्रॉल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना रहता है। जैसे ही आपकी पेमेंट ऐड हो जाती है आप इसको अपने वॉलेट के अंदर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 2000 रुपये मैंने फ्लेक्सी के अंदर किए हैं और 1000 रुपये मैंने लॉकिंग पीरियड के अकॉर्डिंग प्लस के अंदर ऐड किए हैं। तो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, आप अपने प्लस के अंदर देख सकते हैं कि कब इसको मैच्योर होने वाले हैं, कब इसको आप विड्रॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्लेक्सी की अमाउंट है उसको कभी भी आप विड्रॉल करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एक्स्ट्रा इनकम अगर आप इसके अंदर ऐड और करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब अपन बात करें अगर आपको किसी भी कारण से अगर आपको पेमेंट विड्रॉल करवानी है तो फ्लेक्सी से आप किस तरह से विड्रॉल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लेक्सी के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देता है विड्रॉल का, सिंपली आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जितने भी रुपए आप विड्रॉल कराना चाहते हैं इसको आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड नहीं है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जितने रुपए आपने विड्रॉल कराना चाहते हैं डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर विड्रॉल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है रेफर एंड अर्न का। अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते हैं इस एप्लीकेशन को, वो भी इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू कर देता है तो आप यहाँ पर उनका जितना भी मार्जिन है उसके 10% आप अपने अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पर आप 1000000 रुपये तक कमा सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर रेफर एंड अर्निंग का भी ऑप्शन भी है मिल जाता है। तो आप यहाँ पर दोनों मेथड से अर्निंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट है वो होने वाला है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा प्लस अकाउंट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम है उसको जनरेट कर सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के जो वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।